जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन में। माया नगरी मुंबई से दूर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला है, जहां की एक महिला के महानायक अमिताभ बच्चन दीवाने हैं। इस महिला के हाथों का जादू महानायक अमिताभ बच्चन का दिल जीत चुका है। बता दें आपको, जिस महिला की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो ढालपुर मैदान में लगी अस्थाई मार्केट में मक्के और कोदरे की रोटी सरसों के साग का स्वाद देती है और इसे खाने के लिए लोगों की भीड़ यहां उमड़ती रहती है। दो दुकानदार दशहरा उत्सव पर हर साल स्टॉल लगाकर परंपरागत अंदाज में मक्के व कोदरे की रोटी के साथ सरसों का साग देते हैं, कढ़ी देते हैं, दाल देते हैं और इनके हाथ का स्वाद चखने के लिए सुबह से रात तक लोगों की भीड़ यहां उमड़ती रहती है। इसी दुकान से सोहन लाल बताते हैं कि साल 1991 में रामपुर लवी के मेले से मक्के की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी, माश की दाल, हिमाचली व्यंजनों को बेचने का काम इन्होंने शुरू किया। साल 2012 में अनिल अंबानी सिल्वर जुबली समारोह में मुंबई में स्टॉल लगाकर राधा और मीना ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर के साथ साथ अंबानी परिवार के भी सदस्यों को खाना खिलाया है और इन सब ने तारीफ की है। सोहन लाल बताते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन को इनके हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद है। बता दें आपको, जिनका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं वो हिमाचल के बिलासपुर जिले के निवासी मीना व सोहन लाल है, जो 30 सालों से ये स्टॉल लगाकर खाना बेच रहे हैं। ये दुकानदार शिमला के रहने वाले मीना और सागर हैं। दो जो दुकानदार हैं, एक हैं मीना सोहन लाल, दूसरे हैं मीना और सागर। कई सालों से, करीब 30 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं और कई जगह से लोग इनका खाना खाने के लिए आते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में परंपरागत अनाज मक्का, कोदरा, दाल, चावल विलुप्त होने की कगार पे है। ऐसे में राधा और मीना दोनों महिलाएं जो हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग और मांस की दाल जैसे हिमाचली व्यंजन बेचकर परंपरागत अनाज से तैयार खाना बेचकर वाहवाही लूटती हैं। दूसरे अनाजों को लुप्त होने से बचाने में ये मदद कर रही हैं। और महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर ये खबर सामने आई है कि जब बिग बी ने इनके हाथों का खाना खाया तो बिग बी ने दिल खोलकर इनकी तारीफ की। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।